इतों तो भाषण टेक है बीजेपी वाला, कहीं आवेगा कहीं जावेगा। अरे अब गण आप नेता जी ने चूरू वाला बार बनया है नेता प्रतिपक्ष, ए चूरू से सरकबा की तैयारी करे, बोटारो तैयार रह जो, जे अठिन आतो दिखे तो पहले से ही तैयारी कर लीजो, कमर पेठो बांध रही है कि तैयारी करो कि बेरो ही नहीं पड़ेगा। भाई जी ते बताओ पहली थाने तारा नगर से इज का जितार भेजा, पांच साल में बा को हिसाब दियो, बीच में थाने बेरो है, एक बार में सरदार सर को भी मन करियो, मन चलो मन चलायो चलायो ने पंडित मोहनलाल जी जीवा जना, पर पंडित जी तो पंडित जी हा, पंडित जी बोले आजा मोटियार कुश्ती खेल बा में हाल बुड्ढो को नहीं हो, तो बठी ने जाबा की ताड़ी कर दी, ओठा आपका चूरू आएगा, बाल बाल बचगा, अब कड़ा ही खेल ने जचा दियो। मैं तो आई निवेदन करबा आयो हूं, थाने बहुत फोड़ा गाले, ने तो अधिकारी थारी सुन रिया, ने कोई मखाड़ा नेता था की सुन रिया, इकी अगर एक और एक बजे है तो सात बार राजेंद्र जी राठौड़ जीतगार, काम करे को नहीं, कांग्रेस के लोगों ने परेशान करे, आम लोगों ने परेशान करे, अगर बीस छुटकारो पाणु है तो अब कल राजेंद्र जी राठौड़ साहब को कटगो चूरवाड़ो काट दियो। मैं तो आई थाने निवेदन करवा आयो, किसाना के बेटा बेटी जगह पड़र आरएस बने ने बांके ऊपर टिक्का टिप्पणी करे, बांके जच्चे को लिया बात के किसान का बेटा पढ़ किया गया, किसान को 14,000 करोड़ अशोक गहलोत जी कर्जो माफ कर दियो, जगह जगह बीजेपी का नेता कहता फिर रहा है कि किसाना के सागे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस धोखो करो, बान कोई पूछ जाए कि धोखो तो मोदी जी करो, जगह उत्तर प्रदेश के मायने पिछला चुनाव आप कहना नहीं भी पिछला जना कही के उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी तो देश के मान उत्तर प्रदेश सही सगड़ा राज्य के मायने किसान को नेशनलाइज बैंक को कर्जो भी और कोऑपरेटिव कर्जो भी माफ करांगा। आपना मुख्यमंत्री जी 6,000 करोड़ पहली का और 8,000 करोड़ अब कणा का कोऑपरेटिव का तमाम कर्जो माफ करवा को काम राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करे है। नेशनलाइज बैंक का को केंद्र को काम है वन टाइम सेटलमेंट को भी के लिए मुख्यमंत्री जी 7 चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री जी ने, 1 चिट्ठी को भी जवाब वे लोग बीजेपी का लोग और प्रधानमंत्री जी दे रहे को नहीं। तो तरह तरह की झूठ बोलेगा, तरह तरह से आचाऊंगा कि माहौल खराब करा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बोलेगा, पेपर लीक के ऊपर बोलेगा, पेपर लीक हुयो आपने सागे बच्चा के सागे कुठारा घात हुयो इम कोई इनकार थोड़ी करे, लेकिन पेपर लीक कोई गोविंद डोटासरा अशोक गहलोत थोड़ी करियो, जगह भारतीय जनता पार्टी के समय जो पेपर लीक को माफिया पनपांबा को काम भाजपा का नेता करियो, वह पेपर लीक करियो और आप मुख्यमंत्री कड़ो कानून बनाए और 200 लोगों ने जेल में देवा को काम करियो और लोगों ने सरकारी कर्मचारी पाया गया मन बर्खास्त करवा को काम करियो। अगर कोई कमी खामी है तो आपनी सरकार भी ठीक कर रही है, चौकड़ो कानून बना रही है जिससे प्रदेश का युवा जका है बाने ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले, गरीब ने दोनों वक्त खाबा के लिए रोटी मिले और किसान को कर्जो माफ हुए और नेशनलाइज बैंक के लिए मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहा है कि वन टाइम सेटलमेंट कर दियो मोदी जी, जब तो भी किसान को राजस्थान के किसान के हिस्से में जगह पीसा होगा वह राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 मिनट के मायने बैंक में देवा के लिए तैयार है, इससे बड़ी कोई बात कोई हो नहीं सके। बुडानिया साहब 3-4 घोषणा करी, बुडानिया साहब ए सगड़ा मन बना रहा है कि जोरा मर्दी आने जोरा मर्दी चढ़ाओ, ए के एक बार कांग्रेस की सरकार 2023 में बनाऊंगा अरबी के बाद में धाप धाप पर मांगांगा धाप धाप पर काम कराऊंगा, आने जोरा मर्दी छोटी छोटी स्कूल की बात करो, स्कूल 1 खुला लियो 2 खुला लियो 3 खुला लियो 5 खुला लियो, अब मुख्यमंत्री जी अठे खड़ा रहे एक एक स्कूल की घोषणा करे चौकी कौन लागे, 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाओ और मैं सगड़ा गारंटी सुधा थाने कह जावा था को एक ही काम बाकी रह जाए तो माने थे कह दीजियो के डोटासरा जी थे के कह गया। इसलिए आपने तो बात चिड़िया की आंख देखो कि अब गण बीजेपी को सुपड़ो साफ करा जिसका किसान विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, महिलाओं का विरोधी है, गरीब को मुजाक उड़ाबा को काम करे, घेराव यात्रा काट है क्या को घेराव है, 25 में 25 सांसद आया फुट्टी कोड़ी को काम करे को नहीं, घेराव क्या को करे, घर का आंखों घेराव करे, आंकड़ा घर का
आ एमपी 25 को के बेटी का बापू ते बताओ तो शुरू काई करियो। मोदी जी के सांस को निकाल सके 25 एमपी अरे जगह एमएलए है ने जार एकदम या सावधान सिपाही खड़े हुए ने एसपी के सामने जी हम मोदी जी के खड़े और फोटो खिंचा सके लेकिन मांगे रे राजस्थान के लिए कोई योजना को नहीं ला सके। आ मैं थाने गारंटी सुधा कह सकू आ कांग्रेस के नेता में दम है जगह जार आ कह सके सोनिया गांधी जी ने के राइट टू फूड दे राइट टू एजुकेशन दे और राइट टू इंफॉर्मेशन दे और नरेगा को कानून लाओ सब अगर कोई कर सके तो कांग्रेस की सरकार कर सके। बीजेपी का नेता तो मुंडो ही को नहीं खोल रहा भाई जी मोदी के सामने मुंडो ही को नहीं खोल रहा है। अरे कदे खोल लेड़ो बता दो तो मैंने एक टेलीफोन कर दीजो थारे करने ही रू। अरे एक बात और भ्रम फैलावेला कैसा बस संभाग बन गो या बन गो सराखा पर राखा ला अगर चूरू जिला ने सीकर में संभाग में जोड़ दियो मुख्यमंत्री जी है जोड़ वाला तो किन जोड़ेगा किन घटावेगा ऐ जाने तो सिराखा पर बैठावांगा रसगुल्ला खुआवांगा थाने चिंता करवा की बात को नहीं है। एक नेता को खटको जरूर करना ला जो किसान विरोधी भी को भी के अलावा कोई दिक्कत को नहीं। आप सब आया स्वागत है धन्यवाद है जय हिंद जय भारत।